Hello everyone, I am Vikas Kumar, a teacher of Arya Vidyapith. Today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Okay? Those who have this English grammar book, please take out this book and be ready to read chapter number 7th. Okay? In chapter number 7th, use of no and not. What have to we learn? Use of no and not. In page number 24 this chapter has been given. You can see. Okay? आप देख सकते हैं ये जो चैप्टर्स है 7th नंबर चैप्टर ये यूज ऑफ नो एंड नॉट ये कौन से पेज में दिया गया है 24 में दिया गया. ओके नाउ इन प्रीवियस क्लास मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था. ओके इसलिए मैं आज कौन सा चैप्टर करूंगा चैप्टर 7th. ओके चलिए अ सेंटेंस व्हिच हैज नो और नॉट इन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नो और नॉट लगा हो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इन हिंदी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं. ओके नो और नॉट इन अ सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिफ्यूजल और डिनायल. ओके नो और नॉट इन अ सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस. नो और नॉट अगर किसी सेंटेंस में लगा है तो क्या चीज को एक्सप्रेस करता है रिफ्यूजल को नकारात्मक भाव को यानी वो नहीं यानी कि नहीं को वो क्या करता है एक्सप्रेस करता है. ओके यूज ऑफ नो जैसे देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स हैज बीन गिवन हम लोग वन बाय वन देखेंगे और एग्जाम्पल्स के ही थ्रू क्या करेंगे यूज ऑफ नो को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके समझ लेंगे. देखिए अब कैसे हम लोग वन बाय वन अंडरस्टूड करते हैं. जैसे ए और इधर क्या है बी है इधर कॉलम ए और इधर बी. फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैड सम स्वीट्स. ये कौन सा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है. देन इसका निगेटिव बनाया गया है यूज ऑफ नो यानी कि नो लगाकर. ओके तो ही हैज नो स्वीट्स ओके देखे ना तो स्वीट्स क्या है हमारा प्लूरल नाउन है. जब प्लूरल नाउन हो तो उसके पहले हम लोग नो का यूज करते हैं. एक तो कंसेप्ट हम लोग जान गए प्लूरल नाउन्स के पहले नो का यूज कर लेंगे. हो गया. नेक्स्ट है वी हैव बैलून्स अब इसका हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस तो वी हैव नो बैलून्स. ओके यहाँ बैलून्स क्या है प्लूरल नाउन्स है नाउन है इसीलिए इसके पहले नो का हम लोग यूज करेंगे. ओके इन थर्ड एग्जाम्पल ही हैज न्यू बैग. ओके तो देखिए ही हैज नो न्यू बैग. अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो प्लूरल नाउन नहीं है तो फिर यहाँ नो क्यों लगा दिए. नो इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ सिंगुलर है और नो इसलिए लगा दिए क्योंकि नो भी यहाँ यूज कर सकते हैं और नॉट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है लेकिन अगर नॉट लगाएंगे तो नॉट के बाद ये लगाना आर्टिकल लगाना नेसेसरी हो जाता है इसीलिए हम यहाँ नो लगाएंगे. ठीक है नेक्स्ट है 4 में 4 और 5, 6 ये लोग आप खुद से करेंगे खुद से समझेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ नॉट यानी कि नॉट का यूज. देखिए ए और इधर दिया है बी. ए में क्या है स्टेटमेंट है और बी में क्या है नेगेटिव सेंटेंस है. ओके देखिए अब नॉट का यूज देख रहे हैं. रोहन इज हेल्दी. रोहन क्या है हेल्दी है स्वस्थ है ये स्टेटमेंट है तो इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं नॉट का यूज नॉट के यूज के अनुसार के साथ. रोहन इज नॉट हेल्दी. क्या है हमारा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉट का यूज करेंगे आराम से नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे. ओके इसीलिए यहाँ नो नहीं लगाएंगे क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे. ओके एग्जाम्पल 2 है यू आर इंटेलिजेंट. आप क्या हो तेज हो इसका निगेटिव देखिए, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आप तेज नहीं हो, आप लोग तेज नहीं हो, तुम तेज नहीं हो। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, माया इज अ डांसर। तो लगाए बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, माया इज नॉट अ डांसर। ओके, डांसर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले नॉट लगाएंगे और नॉट के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, तो इतना आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप पढ़ेंगे और यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ओके, नाउ नोट देखते हैं। नोट, नोट में क्या है? एम, इज, आर, वाज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, देखना है। एम, इज, आर, वाज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब्स। जितने भी वर्ब्स हैं ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न पेज नंबर 25। ओके, 25 पेज नंबर। अब एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1A का फर्स्ट हम देखते हैं। डैश डू नॉट हैव विंग्स। यहाँ पे कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए डैश डू नॉट हैव विंग्स। विंग्स क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो ए ऑप्शन में है टेबल्स, बी में एरोप्लेन और सी में पैरोट। तो बताइए विंग्स किसको नहीं होता है? टेबल्स को नहीं होता है, कि एरोप्लेन को नहीं होता है, कि पैरोट को नहीं होता है। तो आसानी से समझ सकते हैं कि टेबल्स जो आप लोग देखते हैं, ये देखते हैं आपके घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है। तो टेबल्स को विंग्स नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, टेबल्स डू नॉट हैव विंग्स। टेबल को पंख होता है? नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश कैन नॉट फ्लाई। तो देखिए कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ए हेलीकॉप्टर, बी जिराफ, सी स्पैरो। तो बताइए कौन इसमें नहीं उड़ सकता है? ए, बी, सी, बोलिए कौन सा नहीं उड़ सकता है? बोलिए, हेलीकॉप्टर तो उड़ता है, सी में है स्पैरो, स्पैरो तो बर्ड है तो उड़ेगी ही। जिराफ क्या है? एनिमल है, तो ये नहीं उड़ सकता है। जिराफ कैन नॉट फ्लाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जितने भी, इसका क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। ओके, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? या तो नॉट लगाएंगे या नहीं तो नो लगाएंगे और निगेटिव बना लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, नॉट का यूज कहाँ करते हैं और नो का यूज कहाँ करते हैं। चलिए, फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1। राज इज अ गुड सिंगर। पहले जानिए सिंगर, सिंगर क्या है? सिंगर एक नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके, और ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। ओके, तो इसीलिए सिंगुलर नाउन है, तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, आर ए जी, राज इज अ गॉड, सॉरी, राज इज नॉट अ गॉड सिंगर। ठीक है ना? क्या है? हमारा नाउन है। ओके, कॉमन नाउन, सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। निगेटिव बन गया। राज इज नॉट अ गुड सिंगर। राज जो है एक अच्छा डांसर नहीं है। एग्जाम्पल 2 है, यू आर वाचिंग न्यूज। यू आर वाचिंग न्यूज, आप क्या देख रहे हो? यू आर वाचिंग न्यूज, आप न्यूज देख रहे हो। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग? निगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? बनाइए, यू आर not watching news. Full stop. Okay. Question number 3, 4, 5, 6, 7 and 8 आप लोग खुद से बनाएंगे. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग अब करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी में फिल इन द ब्लैंक्स विथ नो एंड नॉट. ये जो खाली स्थान जो दिया गया है इसमें क्या बनना है, नो और नॉट बनना है. देखना है किसमें नो लगेगा और किसमें नॉट लगेगा. ओके तो देखिए फर्स्ट में आई हैव डैश मनी, क्या लिखेंगे इसमें, नो या नॉट. तो मनी क्या होता है, हमारा नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, मनी इज मटेरियल नाउन. तो मनी के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे. नो लगाकर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. ओके नेगेटिव सेंटेंस नहीं, मतलब इसमें क्या चीज यूज करना है, नो मतलब नो होगा इसमें कि नॉट. इसमें क्या होगा, फर्स्ट में नो होगा और सेकेंड में द ऑरेंज इज डैश. तो द ऑरेंज इज व्हाट, नो स्वीट की नॉट स्वीट, नॉट स्वीट. बिकॉज स्वीट क्या हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग नॉट का यूज करते हैं. ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं कर दिया, आप लोगों को बता दिया ना. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 6 आप लोग को, सॉरी 7 आप लोग को खुद से करना है. ओके फॉर टुडे मच ओनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे.